हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त बढ़िया होंगे। सो आज है मेरा फाइनली फिफ्थ डे ऑफ माय फास्ट। सो बहुत ज़्यादा खुशी होती है फिफ्थ डे पे कि चलो आज फाइनली 5 डेज ख़त्म हो जाएगा। हाँ, आज जागरण है। सो उसमें हम क्या क्या मस्ती करेंगे तो वो मैं सब ऑफकोर्स दिखाऊंगी। और आज एक बात है कि मैं पूरा दिन, मतलब आज का पूरा दिन और कल, मतलब अर्ली मॉर्निंग 3:34 तक मैं सो नहीं सकती। सो मैं आज पूरा दिन लेट भी नहीं सकती और मेरी ऐसे झपकी भी नहीं ले सकती। सो ये है। तो अभी हम रेडी है मस्त स्कूल के लिए। और ऑलवेज मैं फिफ्थ डे पे अच्छे से रेडी होती हूँ, मतलब साड़ी भी पहनती हूँ, बट अभी स्कूल जाना है सो मैंने नॉर्मल कुर्ती पहना है और बस ये थोड़ा पहना है। तो मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? और चलो अभी आज स्कूल जाना है फटाफट, और फिर ऑन द वे दिखाती हूँ अगर कुछ नज़ारे दिखते हैं तो। वैसे तो कुछ होता नहीं है बट ठीक है, चलो। सो हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो ये इसका हमेशा का है, मतलब कल ही आई थी सरप्राइज देने, बट ये बहुत ब्लॉग में आती है तो मैंने कुछ ऐसे लिया नहीं। सो ये कॉलेज जा रही है और मैं स्कूल जा रही हूँ। हमेशा कब से मेरा फोटो ले रही है उसके साथ। मुझे पता है मैं सुंदर हूँ पर बस कर पगली रुलाएगी क्या? बस हो गया। हाँ, ये उसका मैंडेटरी पोज है। और एज यूजुअल मुंबई का, आई मीन बोरिवली स्टेशन। तो मैं स्कूल से निकल के आ गई हूँ मीरा रोड, क्योंकि आज मेरा जागरण है। सो अभी टाइम का मैं देख रही हूँ कब से कि कितना घंटा है, क्योंकि ऐसा होता है जब आपका जागरण रहता है या लास्ट डे रहता है फास्ट का। सो बहुत कुछ मन करता है खाने का, और अगर कोई बोलता भी है ना तो भी बहुत मन करता है। मैं किसी को देख के इशारा कर रही हूँ क्योंकि वो कब से बोल रही है मुझे फ्रेंकी खाना है, ये खाना है। कल थी वो मेरे साथ पूरा दिन, तब नहीं बोली, और अब जब मेरा नज़दीक आ रहा है, पेशेंस लेवल ये हो रहा है, तब बोल और रही वो है। मैं हूँ। और ये परंपरा एज यूजुअल बिना बुलाए आ जाना। ठीक है सो यार, आज हम जागरण करेंगे हीरांशी, यार आज हम जो क्या उठा रही है और करेंगे? कल मेरा कॉलेज है। मेरा स्कूल तो है ही नहीं। नहीं, मेरा कॉलेज 7 बजे का है, तेरा स्कूल 10 बजे का है। ठीक है, बराबर है, इन लोग को तो क्या है, बस बोलना है। एनीवेज, तो हम आज थोड़ा खेलेंगे, रात को मूवीज देखेंगे, मूवीज देखेंगे। नेटफ्लिक्स एंड चिल। सॉरी, आपको अभी आदत हो गई रही, बीच बीच में आता है, चाहने वाले बहुत हैं हमारे। वैसे कुछ नहीं है, यस, ठीक है। सो अभी हम जब थोड़ा देर बाद, अभी तो बहुत टाइम है, अभी कितना बजा है? अभी तो लाइक 8 बजने को अपन हाँ, पहुंच अभी जाएंगे। 8 बजेगा, तो अभी तो पूरा रात 12, 1, 2, 3, 3:30 वैसा, बहुत टाइम। तब तक हम जगने वाले हैं। सो हम तब आपसे बात करते हैं कि हम क्या करते हैं। और आप लोग, बहुत लोग जो मुझे मिलते हैं, बहुत लोग इसके बारे में पूछते हैं, इतना तो कभी मुझे भी नहीं पूछते हो क्या है? चलेगा चलेगा, कि मैं हुए अपनी इतने है अपनी, क्यूट, मैं हुए सेल्फ इतने ऑब्सेस्ड। क्यूट। ठीक है, सब आपको मिलते हैं रात को, आदत हो गई है ना इतने की। हर व्लॉग में ये चांद का टुकड़ा रहता ही है, ज्यादा बोल दिया, चांद का टुकड़ा मैम। चलो बाय बाय गाइस। देखा, चलो मड़िए बच्ची, आओ जो। बातों कलवी चे केटली, बातों कलवी चे, चू बोलू चे, चू बोलू चे। बस आई रंच, ये कुछ ना हो, ठीक है। रिमझिम गिरे सावन, बारिश का मौसम है।
मजा आता है ना, बचपन में सबने ऐसा खेला होगा। चलो तो यो गाइस, कैसे हो आप? मेरी अकेले धीरे धीरे बाहर आई। हम जो ब्लॉग करते हैं ना, अभी मेरे हाथ पे कैमरा रखा है ना, अभी मैं उल्टी कंची, अभी तक मेरे को ठीक नहीं लगता था। अभी ब्लॉग चालू हुआ तो मेरे अंदर ताकत आ गई। ठीक है, हम माय सब्सक्राइबर्स बहुत हो गए गाइस। हां ये ऐसे दिखाइए जैसे हम खाना बना रहे हैं गाइस, सीक्वेंस से है आज का खाना। ठीक है, हम खेल रहे हैं सीक्वेंस दो जन में। ऑब्वियसली नियन को याद है। ओ हाय नियन, ठीक है वो वहां पे बैठे, उसको नहीं आना हमारे साथ। ठीक है, हम खेल रहे हैं। जिसको सीक्वेंस नहीं पता, ऐसा बोर्ड बोर्ड आता है, बोर्ड ऐसा बोर्ड होता है और ऐसे कॉइन्स रहते हैं डिफरेंट कलर्स के, तीन कलर रहते हैं, ग्रीन रेड और ब्लू, एंड चार्ज रहता है। सो बेसिकली जो आपका कार्ड आता है अभी इधर 10 का हार्ट ऑफ 10 आया, ठीक है। सो इसमें जो हार्ट ऑफ 10 है उधर लगाना है, बट सीक्वेंस का बेसिक रूल ये है, मतलब अगर आपको विन होना है सो एक साथ 5 कॉइन्स होने चाहिए एक ही लाइन में, ऐसे या ऐसे। और इसमें भी बहुत मतलब कुछ लोग और ईजी खेलते हैं, सो इसमें ऐसा रहता है कि अगर आपका ये 1-5 हो गया तो आप इसी के साथ कनेक्टेड भी कर सकते हो। वैसे बहुत ध्यान हो गया सीक्वेंस पे, बाकी तो आजकल ये बहुत फेमस है और ये इजीली सब जगह अवेलेबल है और ये पेड प्रमोशन नहीं है, ऐसे ही बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो हम देते हैं सीक्वेंस। सॉरी हिरांची पीस का फटाफट गुजराती में इसको पीस का बोलते हैं, तो बहुत कुछ पीसते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? और जो गुजराती लोग हैं वो लोग अग्री खाते रहेंगे कि मैं हर ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा कुछ गुजराती बोलती हूँ, क्योंकि गुजराती लोग का निकल ही जाता है, कितना भी आप ट्राई करो शुद्ध हिंदी बोलना बट वो गुजराती निकलता ही है ना। सो ठीक है, बहुत हो गया पीस। चलिए, बहुत पीस लिया है हमने, चटनी ही बनना बाकी है। आपको नहीं पता मैं कितनी मस्ती करती हूँ, क्योंकि ऐसे पकड़ना पड़ता है ब्लॉग में, इसलिए मजा। Let's start. तो इसमें भी लिखे हैं रूल्स कि अगर दो जन खेलते हैं तो उनको कितने कार्ड देने हैं, तीन खेलते तो कितने, चार ऐसे। सो हम लोग अभी दो खेल रहे हैं तो हम वेरी गुड, ऐसे पीसा इसमें याद है। ओके यू गिव मी सिक्स, व्हाट आई वाज डूइंग, वी कर रहे हैं। और ये कार्ड्स ना इधर रहते हैं, हम दोनों की तरह हम एक कार्ड खेलेंगे और एक कार्ड रखेंगे, पर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि आज मैं इधर इंग्लैंड में नहीं, मैंने बोला ना नीरा रुड़ाई तो बोली इस गाना पसंद नहीं। चलो स्टार्ट, चलो मुंबई इंडिया, इंडिया का भी ब्लू है। सो सेवन का हार्ट, दिल सबका दिल। बापू जी लग रहा मुझे, इवन मी यार, यार ब्रो, ओह नो ब्रो, हाँ तो कुकर को कट करेंगे, चलेगा मेरे को मत कर, चेहरा बहुत इम्पोर्टेंट है। दो का अट्ठा, सॉरी दो का रम है। अरे इट्स योर टर्न। अच्छा सर, यू गॉट अ लॉट और यू टुक फ्रॉम दीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 I'll kill you. Wait, what is this? You already put there, na? So? So you're taking from here, na? हाँ। अब ऐसे बोलना मेरे भाई, तो कुछ तो हाथ में साथ होने चाहिए ना? अच्छा तो? Of course, एक दिन मैं तो एक देगी ना। अरे कम ना बाबा, play. मीनो हार्ट क्या चले? जल्दी सीक्वेंस बनेगी तो आप लोग को दिखाती हूँ, मेरी बनेगी तो दुश्मन दुश्मन जमाना। मैं भी एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मैं मैगी बनाऊंगी और हम खाएंगे हाट नहीं चटपट। क्या चल और मैं कहते जो ही थी जिंदगी में भैया, इधर यहाँ पे तो आपने देखा हमने सीक्वेंस खेला और मेरे मामा सो रहे हैं और अभी कुछ 4 बजने वाले हैं।
अभी मैं मैगी बनाऊंगी जो बहुत लोग की, मैं भी हूँ उसमें, और बहुत लोग की आधी रात वाली क्रेविंग है। जिसको भूख लगती है सबसे इजी है वो मैगी है। और मेरा वैसा है कि मैं काफ़ी सालों से, मतलब मुझे ये मेरा 7वां साल है फास्ट का। सो हर साल मैं जब फास्ट, मतलब जागरण ख़त्म होता है, उसके बाद मैं मैगी बनाती हूँ। तो आज भी मैगी बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी वो प्रोसेस, क्योंकि बहुत हार्ड है ना, मजाक कर रही हूँ। सो बनाती हूँ और आपको मिलती हूँ बनाते वक्त और खाते वक्त भी, क्योंकि जब हम खाते हैं और जब बनाते हैं तब हम हमारे सब्सक्राइबर्स को नहीं भूलते। अभी मैं फटाफट फ्रेश होगी और फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं मैगी फटाफट खा लेती हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा होगा बहुत टेम्पटिंग है और मुझे तो अभी ज़्यादा ही टेम्प्ट कर रहा है। तो मैं खा लेती हूँ। मैगी आपने देख ली, मस्त बन चुकी है। और मैं ऐसे चीज़ ज़रा भी नहीं खाती, मतलब खाती हूँ बट इतना क्रेज़ नहीं है मुझे चीज़ का। पर पता नहीं बहुत ज़्यादा मन किया तो मैंने चीज़ वाली मैगी बनाई है। सो अंदर भी चीज़ डाला है, ऊपर भी चीज़ डाला है। तो वो खाने से पहले मैं, क्योंकि मेरे फास्ट में सॉल्ट का मेन था, मतलब नमक, तो मैंने नमक के बिना पूरा फास्ट किया था। तो सबसे पहले मैं नमक डालूंगी, मतलब नमक खाऊंगी, और फिर मुझे मैगी खाना है तो वो खाऊंगी। ऐसा लग रहा है अमृत मिला, अमृत। तो अभी मैं फटाफट खा लेती हूँ, दिखाती हूँ आपको। मैं भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे, पर इसके बिना तो मैं सोती नहीं, क्योंकि खाना ज़रूरी था और नमक दाना भी ज़रूरी था। तो ये खा के फिर मैं ब्लॉग इधर ही एंड करूँगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी वाली मैगी, और मेरा 5th डे जो आज पूरा आपने देखा, तो उसका मैं एंड इधर ही करती हूँ। और थैंक यू सो मच मुझे हर वीडियो में इतना सपोर्ट करने के लिए, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और ये डे 5। तो फाइनली हो चुका है मेरा जया पार्वती का फास्ट, और अभी अगले साल जब होगा तब मिलेंगे। तब तक के लिए आपका ध्यान रखिए, आपके पेरेंट्स का ध्यान रखिए, और प्लीज़ डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय गाइस।